तो दोस्तों ना ये सूप है, ना ये सॉस है और ना ही ये चटनी है, लेकिन इससे जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और हमें पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये दो गाजर ली हुई है और 5 से 6 टमाटर लिए हुए हैं, एक प्याज लिया हुआ है, अदरक ली हुई है और लहसुन लिया हुआ है। तो इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें जो जड़ होती है गाजर में उसको भी मैंने अच्छे से निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने ये टमाटर लिए हुए हैं और गाजर ली हुई है ये सब बिल्कुल फ्रेश हैं और इसके जो रूट्स होते हैं गाजर के वो निकाल दिए और निकालने के बाद अच्छे से इनको मैंने वॉश कर लिया। तो आज जो इससे रेसिपी बनेगी वो बहुत ही हेल्पफुल बनेगी और आप ज़रूर इसको बनाना चाहेंगे। तो देखिए इन सबको हम क्या करते हैं अच्छे से कट कर लेते हैं, तो हमें रफली चॉप करना है। तो मैंने देखिए कुछ इस तरीके से इनको काट लिया और मैंने लहसुन को छील लिया था, प्याज को छील लिया था और देखिए गाजर को भी मैंने कुछ इस तरीके से गोल गोल कट कर लिया है। और अब इसमें हम जो अदरक है वो भी हम कुछ इस तरीके से कट करके डालेंगे। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो कैसे बनेगी और ये कितने दिन तक आप रख करके इसको यूज़ में ला सकते हो। तो देखिए मैंने इसको बारीक कट कर दिया है जिससे कि उबालने में दिक्कत ना हो और ये अच्छे से उबल जाए। अब हम एक प्रेशर कुकर लेते हैं, उसमें इस सबको डाल देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 2 गिलास जितना पानी और साथ में इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो 2 गिलास जितना पानी मैंने इसमें डाल दिया और अब ये नमक डाल देते हैं। तो नमक अभी हम थोड़ा ही डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं जिससे पूरे में नमक हो जाए और जो ये हम उबाल रहे हैं ये झटपट उबल जाए। तो 5 से 6 विजल तक इसको हमें पकाना है। 5 से 6 विजल में ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे और ये सब पक जाएगी और फिर इसके बाद इसको हम अपने आप ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने प्रेशर कुकर को गैस में रख दिया है और आप देखेंगे कि ये अच्छे से पक गया है, लेकिन इसकी विजल हम अभी नहीं निकालेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब निकालेंगे। आप देख सकते हो कि ये ठंडा हो गया है और इसकी विजल मैंने निकाल दी है। अब हम एक स्ट्रेनर लेते हैं और इसमें इसको डाल देते हैं। तो दोस्तों कभी आप यदि पार्टी करते हो या किटी पार्टी करते हो या घर में छोटा मोटा पार्टी होती है तो उसमें ये रेसिपी बना सकते हो। और वैसे भी आजकल सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में ये सब खाने और पीने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम देखिए स्ट्रेनर में जो निकाला था इसको डाल देते हैं और जो मैंने इसका पानी निकला हुआ था उसको एक साइड रख देते हैं, उसे हमें फेंक। और अब अच्छे से इसका हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया से ये पेस्ट बन गया है। तो जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब आप इसका पेस्ट बनाएं। और जो पानी इसमें उबालने में मैंने स्ट्रेनर से छान लिया था उसी में इसको हम कुछ इस तरीके से छान लेते हैं जिससे कि इसमें जो बीज होंगे या रेसे होंगे वो सब अलग हो जाएंगे और बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस देखिए बातों ही बातों में मैंने कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से छान लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो मैंने थोड़ा पानी निकाल करके रख दिया था जिससे कि बाद में हम इसमें डाल सकें। आप देख सकते हो कि कितने रेसे इसमें निकले हैं, तो उनको हम एक साइड कर देते हैं। और ये जो मैंने पल्प निकाला हुआ है इसको अच्छे से देखिए हमें मिक्स करना है कुछ इस तरीके से। अब बढ़िया सा ये फाइन पेस्ट बनकर के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो कि अभी ना ये चटनी है और ना ही ये सॉस है, ना ही ये सूप है। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसको बनाएंगे। तो आज देखिए हमें बनाना है, तो एक हम बर्तन लेते हैं और इसमें हमें 2 बाउल सूप बनाना है। तो इसके लिए देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि अभी ये बहुत गाढ़ा है और आप अपने क्वांटिटी ज़रूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो और ढेर सारा उबाल करके भी रख सकते हो यदि आपको ज़्यादा बनाना हो। आजकल टमाटर भी सस्ते हैं, गाजर भी सस्ती है, तो इस तरीके से यदि आप बना करके रख देते हो तो बहुत जल्दी ये सूप बन करके तैयार हो जाता है। इसको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है।
और देखिए जो उबालने में जो सब्जियां जो कुछ डालनी हो आप डाल दें, उबाल करके इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दें। ये 4 से 5 दिन, आजकल सर्दियां चल रही हैं, जरूर चल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो मैंने इसमें जो डेली वाला नमक खाया जाता है वो डाल दिया और साथ में इसमें काला नमक डाल दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। हमें इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है क्योंकि ये खुद गाजर मीठी होती है, इसलिए हमें इसमें चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि सूप अच्छे से गाढ़ा हो गया है थोड़ा। अब इसमें हम डाल देते हैं भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। थोड़ी देर इसको हमें और पकाना है। आप देख सकते हो कि बढ़िया सा पक कर के तैयार हो गया। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसे मसाले स्पाइसी पड़ते हैं वो नहीं डाले थे कि जब हम बनाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें गरम मसाला का प्रयोग किया है, ये गरम मसाला पाउडर है और इसमें सब स्पाइसी मसाले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब इसमें हम बटर डाल देते हैं, तो ये सॉल्टेड बटर है। बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि ये बढ़िया सा गर्मा गर्म सूप बन करके तैयार हो गया और झटपट से फिर 2 से 3 मिनट इसको बनाने में लगा है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें नमक कैसा है। यदि आपको लगे कि नमक थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और इसमें डाल दें, या ज़्यादा लग आपको लग रहा हो तो थोड़ा सा इसमें ये जो मैंने बैटर बनाया हुआ है वो आप डाल दें तो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम अच्छे से बाउल में निकाल लेते हैं, तो कितना बढ़िया ये बन करके तैयार हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया पीने में लगेगा। और इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च या मैदा या ऐसी किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है जो आपके शरीर और सेहत के लिए नुकसानदायक हो। तो आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना बढ़िया आया और ये बढ़िया सा सूप हमारा बन करके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि आज मैंने सोचा कि भरवा पराठे बनाए तो उसके साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है इसकी। तो इसके लिए देखिए मैंने थोड़ा सा ये बचा लिया था, तो इसमें हम डाल देते हैं चीनी और नमक अपने स्वाद के अनुसार रखेंगे। यदि आपको लगे कि इसमें नमक थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और डाल लें, और क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चटनी की घटा बढ़ा सकते हो। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। सूप इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है लेकिन चटनी जो है थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और आप देख सकते हो कि हमारी बढ़िया सी चटनी बन करके तैयार हो गई है, और ये रखने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो है ना बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल वीडियो। तो प्लीज़ यदि आपको ये हमारी चटनी की रेसिपी और सूप की रेसिपी और जो मैंने बैटर बना के रखा हुआ है पेस्ट उसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।